अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बीजेपी ने पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट कर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया है। पटना साहिब से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना आए। पटना आने के बाद बीजेपी कार्यालय में जमकर स्वागत किया गया। स्वागत के फंक्शन में कई पार्टी नेताओं के अलावा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मौजूद थे। जाकर रविशंकर जी का नाम गिनीज बुक में हो, यही आपका प्रदेश अध्यक्ष नारा वोट सबसे मजबूत, और वह नारा यह है कि सबसे ज्यादा वोट हमारे बूथ से, सबसे ज्यादा वोट अब हमारे बूथ पर। इस नारे के साथ निकलेंगे, 3 रात लगेंगे और एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का जो कमल निशान लेकर रविशंकर जी पटना साहिब की इस राजनीति के मैदान में लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, बुलंदी के साथ हम बुलंदी के साथ हम पटना साहिब को जीतेंगे। 2019 में अपने प्रधानमंत्री जी को बुलंदी के साथ पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीजेपी प्रदेश नित्यानंद राय ने पार्टी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के स्वागत समारोह में बोलते हुए कहा कि रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, वो रिकॉर्ड बनाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। पटना से रोहित की रिपोर्ट।